ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हम लोग। पिछले क्लास में चैप्टर 15 यानी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता आपका कंप्लीट हुआ था, तो आज चैप्टर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं, त्रिभुज ट्राइंगल्स। तो ये ज्योमेट्री के सेक्शन में आएगा और इस चैप्टर को आप त्रिभुज, आपके नाम लिखा हुआ है त्रिभुज या ट्राइंगल, बेसिकली इसमें समरूपता के बारे में पढ़ते हैं। तो समरूपता क्या है, सर्वांग समता क्या है, ये सारी चीजें भी डिस्कशन करेंगे एक एक करके। पोल में आप लोग आंसर कर ही रहे हो, करते रहिएगा, रिपोर्ट बढ़िया बनेगा आप सभी का। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है इस चैप्टर में, सर्वांगसम और समरूप आकृतियां। आकृतियां के बारे में पढ़ने, क्योंकि ज्योमेट्री में आता ही, आपका ज्यामिति में आएगा। तो ये आपने जो देखो, दो वर्ड है यहाँ पर, एक तो वर्ड है आपका सर्वांगसम, जिसको इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, और एक वर्ड यहाँ पर लिख रखा है समरूप, जिसको इंग्लिश में सिमिलर कहते हैं। दोनों में डिफरेंस वगैरह देखेंगे। सर्वांगसमता क्या, आपने क्लास 9th में सीखा है बहुत डिटेल में, ठीक है, 9th में काफी डिटेल में त्रिभुज के सर्वांगसमता या अलग अलग आकृतियों के सर्वांगसमता के बारे में पढ़ा है। क्लास 10th में जो हमें पढ़ना है वो समरूपता के बारे में पढ़ना है, लेकिन रिलेशन भी पढ़ना है हमें, इसलिए थोड़ा मैं ब्रीफ में आपको सर्वांगसमता एक बार याद दिलाता हूँ क्या क्या हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। देखो, सर्वांगसम वर्ड को आप अगर तोड़िएगा ना, सिर्फ वर्ड को ही आप अगर तोड़ दो, सर्वांगसम, ठीक है, हिंदी वर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये तीन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, सर्व अंग सम, ठीक है। तो सर्व मतलब ऑल, अंग मतलब ऑर्गन, और सम मतलब समान, तो जिसके सभी अंग समान हो, ठीक है, मतलब हर चीज एक जैसा हो, तो वहीं से बना सर्वांगसम, कभी नहीं बोलोगे, जिसके हर चीज बिल्कुल एक जैसे हो, बिल्कुल सेम टू सेम आकृति को हम सर्वांगसम आकृति कहते हैं, चाहे वो कोई वस्तु हो, कोई समान हो, या फिर कोई आकृति ही क्यों ना हो, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, दो पेंसिल है हमारे पास, अगर मैं ये दोनों पेंसिल को बोलूँ तो आपको देखने में लग रहा होगा कि ये दोनों पेंसिल बिल्कुल ही एक जैसे हैं, सेम ब्रांड के हैं, सेम साइज के हैं, एवरीथिंग सेम है, ठीक है। तो कुछ ऐसा है कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, सर ये दोनों कैसे हैं, बिल्कुल सेम है। क्या क्या इसमें सेम है, किसी भी आकृति या किसी वस्तु को दो चीजें में आप डिवाइड कर सकते हो। बेटर होगा कि आप इंग्लिश वर्ड से समझने की कोशिश कीजिए, शेप एंड साइज, ठीक है, हिंदी से थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं आपको इंग्लिश में पहले बता रहा हूँ, शेप एंड साइज। तो शेप का मतलब क्या होता है ना, कि उसका डिजाइन कैसा है, बनावट कैसा है, ठीक है, शेप मतलब बनावट, ऐसे याद रखिएगा। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन मैं बता दूंगा, अभी ये समझिएगा, शेप मतलब बनावट, और साइज मतलब क्या होता है कि सर वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उसका मेजरमेंट क्या है, जिसको आप मेजर कर सकते हो। आप मेजर किसको करोगे, कोई चीज कितना बड़ा है, कितना अच्छा छोटा है, आप साइज को ही तो मेजर करोगे, सेंटीमीटर मीटर में, आकार को, ठीक है, तो बिल्कुल आकार को मेजर करेंगे, आम आप को मेजर करेंगे, सॉरी, आकार मतलब इसलिए कहता हूँ, आकार हम आप में कंफ्यूज मत करिए, बेटर ये है कि शेप एंड साइज में जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ, सर ऐसा कोई आकृति जिसका शेप और साइज दोनों ही बराबर हो, ठीक है, दोनों ही बराबर हो, बिल्कुल सेम हो, तो उसको हम सर्वांगसम कहेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों आकृति अगर सर्वांगसम है, अगर बोल रहा हूँ कि ये वाला लंबाई 1 सेंटीमीटर है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, अगर सर्वांगसम है तो 1 सेंटीमीटर1 सेंटीमीटर ही रहेगा, क्योंकि सर्वांगसम है, बिल्कुल सेम होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ यहां से यहां तक का जो दूरी है मेरा पूरा, मैं बोल रहा हूँ 5 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब आप कह रहे हो सर यहां से यहां तक जो दूरी होगा दूसरे वाली पेंसिल में, ये अभी 5 सेंटीमीटर ही रहा होगा, क्योंकि सर्वांगसम आकृति आपने बता ही दिया। अगर मैं बोल रहा हूँ यहां से ये वाला दूरी, मैं बोल रहा हूँ 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब यहाँ पर भी दूरी कितना होगा, ये 3 सेंटीमीटर मेजरमेंट कर गए, तो इसका मतलब दोनों पेंसिल बिल्कुल एक जैसा है। इन दोनों को क्या बोलेंगे, सर्वांगसम वस्तु बोलेंगे, क्योंकि ये कोई आकृति नहीं है, वस्तु है, ठीक है, तो कहेंगे सर ये बिल्कुल सेम है, एक जैसा सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम का मतलब समझ लीजिए सेम। अब यहाँ पर देखे क्या है, शेप मतलब आकार, मतलब वो बनावट में कैसा है, और आम आप देखो, कन्फ्यूजन अगर होगा कभी तो ऐसे याद रखिएगा, मैंने आपको पहले बताया है, मेजर किसको करेंगे, साइज को, कितना बड़ा है या छोटा है, मेजर मतलब मापना, ठीक है, मेजर मतलब मापना, और मापेंगे आम आप को, तो साइज का मतलब आम आप, और आकार मतलब कि उसका आकृति का बनावट कैसा है। तो आम आप और आकार दोनों ही अगर सेम रहेगा, बनावट भी सेम है और मेजरमेंट भी सेम है, तो ऐसे आकृति को हम सर्वांगसम बोलेंगे, और सिंपली बोलेगा बिल्कुल एक जैसे आकृति को ही सर्वांगसम कहते हैं। तो सर्वांगसम आकृति में आपने क्या क्या बोला, सर्वांगसम में क्या क्या हमें कंडीशन याद रखना है, दो कंडीशन होने चाहिए, पहला क्या, आकार, यानी बोलिए आकार मतलब क्या, शेप या साइज,
शेप, ठीक है, उसका बनावट कैसा है, शेप कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आमाप, तो आमाप कहने का मतलब क्या, साइज, जिसको हम लोग मेजर करते हैं, तो आमाप भी सेम होना चाहिए। इनमें से कोई एक सेम होगा तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, दोनों ही चीज सेम होना चाहिए, आकार भी सेम और आमाप भी सेम, दोनों ही सेम रहेगा तो उसको हम सर्वांग समाकृति बोल देंगे, ठीक है। तो वस्तु से सीख लिया, तो वस्तु के बाद हमें क्या करना है, कोई आकृति ले लो, ठीक है, वृत्त ले लीजिए, त्रिभुज ले लीजिए, वर्ग ले लीजिए। तो मैं वृत्त से आपको समझाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर दो आकृति है जिसको आप वृत्त कहते हो, इन दोनों का अगर मैं कहूँ कि व्यास सेम है, डायमीटर सेम है, मैं बोल दूँ कि यहाँ भी मान लो आपका दे रखा है कि 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, व्यास, और यहाँ भी बोल दूँ कि 5 सेंटीमीटर है, तो पहले तो आप ये देखोगे सर दोनों ही वृत्त है, ठीक है, तो दोनों का जो शेप है, कहने का मतलब जो बनावट है वृत्त के ही आकार के, हम कहेंगे सर दोनों का शेप बिल्कुल सेम है, ठीक है, शेप एक जैसा दिख रहा है, ठीक है। इनका साइज कैसे पता चलेगा, साइज मेजरमेंट से पता चलेगा, तो मेजरमेंट दिख गया यहाँ पर दोनों में 5-5 सेंटीमीटर है, तो साइज भी सेम आ गया, तो इन दोनों वृत्त को अगर मैं इसको बोलूँ C1 और इसको बोल दू C2, ठीक है, तो C1 और C2 को क्या बोलिएगा, दोनों ही वृत्त, सर्कल के लिख रहा हूँ C1 C2, तो दोनों ही वृत्त का सर शेप एंड साइज यानी आकार और आमाप दोनों ही बराबर है, तो इन दोनों आकृतियों को हम क्या बोलेंगे, सर्वांगसम आकृतियां, ठीक है, तो इनको हम कहेंगे सर सर्वांगसम। क्लियर, बोलिए, ये दोनों बिल्कुल सर्वांगसम। सर्वांगसम यस को लिखने का एक सिंबल भी यूज किया था हमने, ऐसा कुछ सिंबल, ठीक है, दो बराबर के बाद ऊपर में एक ऐसा एस टाइप का कुछ फिगर बना था, ठीक है, ये सर्वांगसम का सिंबल है। तो दो आकृतियों के बीच में अगर ऐसा लगा हुआ है, इसका मतलब दोनों आकृतियां क्या है, एवरीथिंग इनके बीच में सेम है, ठीक है, तो सर्वांगसम आकृतियों को लिखने का तरीका होता है। क्या क्या बोला, एक समान व्यास वाले वृत्त हमेशा सर्वांगसम होंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर में क्या याद रखना है, शेप सेम होगा और साइज भी सेम होगा, ये सिंबल लिखा हुआ था यहाँ पर इस टाइप से, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया कॉन्ग्रुएंट, बहुत डिटेल में हमें कॉन्ग्रुएंट पढ़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने क्लास 9th में पढ़ रखा है। अब आते हैं थोड़ा समरूप आकृतियों पर। अगर मैं दो ऐसे फिगर ले लूं, ठीक है, अब मैं पूछूं कि क्या ये दोनों आकृतियां सर्वांगसम है, क्या दोनों वृत्त नो सर, सर्वांगसम है, नहीं, क्यों नहीं है, नो सर, मुझे तो दोनों का आकार सेम दिख रहा है, नो सर, एक छोटी है, एक बड़ी है। नहीं एक छोटे एक बड़े, लेकिन आकार तो सेम है ना, आकार मतलब बनावट, साइज सेम नहीं है। साइज सेम नहीं है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ बोलोगे सर ये बिल्कुल एक जैसे फिगर नहीं है, छोटे एक बड़े हैं, तो हमें दिख रहा है सर इसका अगर मैं मान लो अगर मेजरमेंट करूं इसका त्रिज्या का, तो इसका त्रिज्या अगर मेजर करेंगे तो आ जाएगा मान लो 8 सेंटीमीटर, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं लिख रहा, कुछ भी लिख दिया 8 सेंटीमीटर, लेकिन इसका जब त्रिज्या आप मेजर करोगे तो 8 से छोटा आएगा, मतलब कह देते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर होगा, 2 सेंटीमीटर कुछ होगा, इसका मतलब आकार तो सेम है यहाँ पर। इन दोनों अगर मैं फिगर को देखूं तो आकार यानी शेप ये तो सेम दिख रहा है सर, दिखने में बनावट तो सेम है, चेहरा दोनों का सेम है एक जैसा, लेकिन इनका साइज यानी अगर मैं आमाप की बात करूं, जिसको आमाप मतलब जिसको हम मेजर करते हैं, जिसको हम साइज को मेजर करते हैं, वो अलग अलग आ गया, ठीक है, वो सेम नहीं है। तो अगर आकार सेम है और साइज सेम नहीं है, तो ऐसे अच्छा साइज सेम नहीं होना जरूरी नहीं है, आगे डिटेल में और सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए ये समझना कि क्योंकि यहाँ पर आकार सेम था और साइज आमाप अलग अलग था, तो हम सर्वांगसम तो इसको नहीं बोलेंगे, सर्वांगसम में बिल्कुल सेम होना चाहिए, तो सर्वांगसम तो नहीं है, ये बच्चा क्या बोलेगा, सर्वांगसम नहीं है। तो मैं पूछूंगा इससे क्या है फिर, तो इसने ये बोला कि सर इनका आकार तो समान है, मतलब शेप तो सेम है, लेकिन इसका आमाप अलग अलग है, ठीक है, तो ऐसे आकृतियों क्या कह सकते हैं सर, समरूप आकृति बोलोगे, ठीक है, तो इन दोनों को क्या बोलेंगे, समरूप आकृतियां, ठीक है, समरूप यानी सिमिलर फिगर्स। तो सिमिलर फिगर इतना ही होता है क्या, क्या कंडीशन होगा, यहाँ तो ठीक है मैंने आपको एग्जाम्पल समझा दिया, लेकिन चेक कैसे करेंगे मैथमेटिकली, हमें क्या क्या पता होना चाहिए, देखिए यहाँ पर आप देखो क्या क्या चीज पता होना चाहिए और कंडीशन क्या क्या चेक करेंगे। पहला चीज समरूप आकृति होने के लिए, पहला चीज बस एक ही कंडीशन होना चाहिए यहाँ पर, कि उनका आकार, कोई भी दो आकृति जिनका आकार यानी शेप, कहने का मतलब बनावट सेम हो, ऐसे आकृति को हम समरूप आकृति बोल देंगे। दूसरा चीज जो था हमारा कंडीशन सर, जो हमारा आमाप था उसको नहीं देखते हैं क्या, नहीं, आमाप से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब साइज जो है ना इसका सेम होना जरूरी नहीं है, मतलब जरूरी नहीं होने का मतलब अगर बराबर है तो भी ठीक है, बराबर नहीं है तो भी ठीक है, मतलब हमें कंडीशन चेक क्या करना होगा
कि आकार यानी सेब का सेम होना इम्पॉर्टेंट है, मस्ट है, ठीक है, ये जरूरी होना है, ठीक है, मतलब आकार सेम होना चाहिए, आमाप साइज का जरूरी नहीं है कि सेम हो, सेम हो तो भी चलेगा, सेम नहीं हो तो भी चलेगा, समझ में आया? यस सर। मैं ये सुनना, ये नहीं बोल रहा कि आमाप अलग ही होने चाहिए, जैसे यहां पर देखो आपको दिख रहा था सर आमाप अलग अलग है, लेकिन जरूरी नहीं कि आमाप अलग होना जरूरी ही है, ठीक है, आमाप सेम होगा तो भी काम चल जाएगा, आमाप अगर अलग होगा तो भी काम चलेगा, मतलब चेक क्या करना है हमें, सिर्फ और सिर्फ आकार, अगर दो आकृतियों का आकार सेम है तो हम उनको समरूप आकृति बोलेंगे, ठीक है, आमाप सेम रहे तो भी, आमाप सेम नहीं रहे तो भी, क्लियर? तो सर्वांगसम में दो चीज चेक करते हैं, समरूप में सिर्फ एक चीज चेक करते हैं, ठीक है, आकार का सेम होना जरूरी है, ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इन दोनों आकृति के बारे में बोलूं, थोड़ा सा यहाँ पर सिंबल गलत लिखा हुआ है, ये सिंबल को मैं हटा देता हूँ, समरूप आकृति में आकार शेप तो सेम होने चाहिए, ये तो जरूरी है, लेकिन साइज में नॉट बी सेम, आमाप का समान होना आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं होने का मतलब अलग भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, समरूप आकृति को लिखने का तरीका ये सिंबल लगाते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पर सिंबल ऐसा लगा दीजिएगा, ठीक है, इनका आकार तो सेम है लेकिन साइज अलग अलग है, तो हम बोलेंगे सर ये क्या है, समरूप आकृति, इसको सर्वांगक्षम नहीं बोल सकते हैं। तो यहां पर अगर आपके पास डेफिनेशन लिख रखा है आप इसको समझ सकते हो, ऐसे समरूप आकृति कैसा पढ़ा, दो आकृतियां जिनके समान आकार हो, मतलब सेम, फिर से वही चीज रिपीट हो रहा है बार बार, सेम हो परंतु उनके आमाप यानी साइज, ठीक है, साइज का समान होना आवश्यक नहीं है, समरूप आकृतियां कहलाएंगे। फिर से दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है यहाँ पर, एक ट्रायंगल लिख दिया एबीसी, ठीक है, PQR, देखो इसको डिटेल में पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें मैथमेटिकली, लेकिन अभी बहुत बस शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन दोनों ट्रायंगल को आप अगर अभी के लिए देखोगे तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे होंगे, समरूप मतलब समकोण त्रिभुज, तो मुझे इनका बनावट एक जैसा दिख रहा है सर, बिल्कुल एक ही जैसा लग रहा है बनावट, लेकिन इनका साइज अलग अलग है, एक छोटा है एक बड़ा है, तो हम क्या बोलेंगे सर, सर्वांगसम आकृति तो नहीं है लेकिन ये समरूप आकृतियां हैं, ठीक है, तो इन आकृतियों को क्या बोलेंगे, समरूप, तो बोलेंगे ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पी क्यू आर, इसके बीच में कैसा रिलेशन है, ये दोनों समरूप है, और समरूपता को लिखने के लिए ऐसा लिखते हैं, क्लियर? कंडीशन अभी नहीं बता रहा आपको सर कि यहाँ पर कोण बराबर है या नहीं है, कोण के बारे में, भुजा के बारे में डिटेल में सीखेंगे, अभी के लिए बस मैं फिगर को एनालिसिस करने के लिए आपको सिखा रहा हूँ कि दोनों दिखने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन साइज अलग अलग है, ठीक है, तो समरूप बोलेंगे, सर्वांगसम नहीं बोल सकते। किसी को लगता है क्या कि दोनों त्रिभुज समरूप सर्वांगसम भी है, कॉन्ग्रुएंट भी है? कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सर्वांगसम अगर होता तो बिल्कुल साइज भी सेम हो जाता, ठीक है, साइज सेम नहीं है, मुझे दिख रहा है कि ये छोटा है और एक बड़ा है, ठीक है, तो यहां पर अगर फिगर बनाया हुआ है, कुछ वृत्त दिख रहे हैं, कितने वृत्त दिख रहे हैं आपको अभी आपके स्क्रीन पर, तीन तीन नहीं है चार दिख रहे हैं मुझे, तो एक दो तीन और इसी के अंदर एक चला गया, चार चार, ठीक है, तो चार, चार तो अगर मैं पूछूं कि ये चारों के चारों जो वृत्त दिख रहे हैं, चलो इसको मैं नाम ही दे देता हूं, बेटर रहेगा, P1, C2, C3, C4, C क्यों लिख रहा हूं, सर्कल के लिए, ठीक है, तो क्या ये चारों के चारों वृत्त जो हैं सभी सर्वांगसम हैं क्या? नो सर। नहीं, मुझे साफ दिख रहा है इनके साइज अलग अलग है, ठीक है, एक छोटा एक बड़ा, तो सर्वांगसम नहीं है, सारे के सारे वृत्त समरूप हैं क्या? वृत्त समरूप है यहाँ पर, और चाहे आप कैसे भी वृत्त बना लीजिए, बड़ा छोटा कितना भी बड़ा बनाइए कितना भी छोटा बनाइए, तो जितने भी वृत्त बनाओगे सभी वृत्तों के लिखा है क्या, चलिए सभी वृत्त समरूप होते हैं क्योंकि उनका आकार, आकार का मतलब क्या, सेम, उनका बनावट हमेशा सेम ही होता है, तो बनावट सेम होगा तो आकार अगर सेम हो गया तो साइज से क्या मतलब है, साइज बड़ा रहे छोटा रहे हम चेक भी नहीं करेंगे, हम बोल देंगे सभी के सभी वृत्त क्या होंगे, समरूप होते हैं, तो ये याद कर लीजिएगा, ये पॉइंटर है जो आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, याद रखना है आप सभी को, ठीक है, तो सभी के सभी वृत्त क्या होंगे, हमेशा समरूप होंगे, ऑलवेज सिमिलर होंगे, ठीक है, आप कुछ वृत्त बना करके भी देख सकते हो, एक वृत्त में इतना बड़ा बना लिया, एक इतना छोटा बनाया, ये दोनों समरूप होंगे कि नहीं होंगे, साइज ही, यस सर। शेप तो सेम है, ठीक है, बनावट तो सेम है, तो कहेंगे सर बिल्कुल ये समरूप होंगे, ठीक है, ये समरूप होंगे, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा सभी वृत्त समरूप होते हैं। उसके बाद अगर बोलू कि क्या सभी वर्ग या सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं क्या, चलो आते हैं सभी वर्ग पर, मैंने कुछ वर्ग बनाया,
एक वर्ग बनाया कुछ ऐसा, एक और वर्ग इसी के अंदर बना दिया। तो जितने भी वर्ग आप बनाओगे ना, चाहे आप कितना भी बड़ा वर्ग बनाइए चाहे कितना भी छोटा बनाइए, वर्ग बना रहा हूँ जिसका मतलब सारा भुजा बराबर हो इसका, ठीक है। तो यहाँ लिख रहा हूँ दो 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 दो, यहाँ लिख रहा हूँ पांच 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 पांच, सारे सेंटीमीटर या मीटर में वैल्यू लिख रहा, दस 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 दस। तो जितने भी वर्ग होते हैं वो सारे के सारे वर्ग के बनावट सेम होता है, डिजाइन सेम होता है, ठीक है। तो आकार इन सभी का सेम होगा, आकार कह रहा हूँ, आम आप नहीं कह रहा, ठीक है। आकार बिल्कुल सेम होगा सभी का, तो साइज अलग अलग हो सकता है, साइज से कोई मतलब है नहीं समरूप के लिए, सर्वांगसम तो नहीं होगा, लेकिन सभी वर्ग समरूप होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, सभी वर्ग समरूप होंगे, यस, ठीक है। जितने भी वर्ग होंगे वो सारे के सारे वर्ग समरूप होंगे, ठीक है। अब आते हैं त्रिभुज पे, सभी त्रिभुज समरूप होंगे क्या, सभी त्रिभुज? यस सर। देखो यहां पर आप ये समझिएगा, जब भी मैं सर्वांग समरूप आकृति की बात कर रहा हूं ना, ये वर्ड आपने सुना है क्या कभी, फिजिक्स में कहीं आया था क्या, आवर्धन? यस सर। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन, और बेटर होगा कि आप इंग्लिश से रिलेट कर पाते हो। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या, एक लेंस ऐसा देखा होगा आप सभी ने, ठीक है, कुछ लेंस होता है ना, और इससे क्या करते हैं, किसी चीज को बड़ा छोटा करते हैं, है ना। आप हैंड लेंस भी आता है, बीच में एक शीशा लगा रहता है, तो उसमें क्या होता है कि आप किसी चीज को बड़ा छोटा करके देख सकते हो, जो आपके चश्मा में भी होता है, जो बहुत छोटे छोटे अगर लिखे हुए अक्षर आपके कॉपी में, तो उसको आप अगर देखोगे तो थोड़ा बड़ा दिख जाएगा इसके थ्रू, है ना। तो मैग्निफिकेशन मतलब किसी चीज को बड़ा करना, या मैग्निफिकेशन का उल्टा करें तो उसको छोटा करना, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन मतलब बड़ा या छोटा करना। तो अगर कभी आपको कुछ ऐसा दिखता है, जैसे यहाँ पर वृत्त को छोटा, चलिए इसमें क्या हो रहा है, क्या मैं इसको बड़ा करके इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, धीरे धीरे वर्धित करूं या मैग्निफाई करूं तो ये आकृति इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हो जाएगा। समरूप आकृति जितना भी रहेगा ना वो ऐसा ही रहेगा, छोटे को बड़ा करोगे तो आप छोटा से बड़ा और बड़ा से छोटा में कन्वर्ट कर सकते हो। माइक बंद कर लो, यहाँ पर वर्ग में दिख रहा है, एक छोटा वाला वर्ग को सर मैं धीरे धीरे अगर बड़ा करते जाऊं, मैग्निफाई करूं, आवर्धित करूं, तो छोटा वाला वर्ग बड़े वाले वर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा, है क्लियर। लेकिन अब मैं त्रिभुज पर आता हूं, ठीक है, अब मैं त्रिभुज पर आता हूं। एक त्रिभुज मैंने कुछ ऐसे बनाया, एक आया हमारे पास समकोण त्रिभुज कुछ ऐसे, ठीक, और एक मैं बना दे रहा हूं कुछ ऐसा ट्रायंगल, ये समबाहु त्रिभुज, ठीक है। आपको लगता है क्या कि इसको मैं कितना भी बड़ा छोटा करूं, मैग्निफाई करूं, ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट होगा? नो सर, नहीं कन्वर्ट होगा। आप इसको ऐसा समझो, इसको सर अगर मैं छोटा करूंगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। इसको कितना भी घुमा कर रहा हूं, ठीक है, इसको कितना, एक सेकंड, इसको मैं पकड़े कितना भी घुमा दूं तो उसके जैसा नहीं बनेगा, ठीक है। ये एक हमारा क्या है, एक सम, ये हमारा समकोण त्रिभुज था और हमारा समबाहु त्रिभुज था, तो ये दोनों समरूप नहीं होंगे। तो अगर मैं बोलूं कि क्या हमेशा दो त्रिभुज हमेशा समरूप होंगे क्या? नो सर। दो त्रिभुज, अब सुनना मेरी बात को, दो त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बोला था कि सभी वर्ग समरूप होते हैं और सभी वृत्त समरूप होते हैं, उस तरीके से सभी त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं, सभी त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो हमेशा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सभी त्रिभुज समरूप नहीं होंगे, कन्वर्टेबल नहीं होंगे। तो कैसे त्रिभुज के बारे में आप कह सकते हैं समरूप होंगे, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो अगर मैं समबाहु त्रिभुज की बात करेगा, समबाहु त्रिभुज क्या, जिसके सभी भुजा बराबर, ठीक है, सभी भुजा बराबर, मान लो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, यहाँ भी 8 सेंटीमीटर, यहाँ भी 8, यहाँ लिख दिया 5, यहाँ 5, यहाँ 5, ठीक है। तो अगर मैं कुछ ऐसे बना दूं, तो अगर सिर्फ हमारे पास समबाहु त्रिभुज है, दो समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बना रहा हूं, एक समबाहु यहां लिख लिया और एक समबाहु त्रिभुज यहां बना दिया, ठीक है, दोनों समबाहु है, एबीसी और पीक्यूआर। तो आप कितने भी समबाहु त्रिभुज बना लीजिए, अगर मैं यहाँ लिख दू 8 सेंटीमीटर, यहाँ 8 सेंटीमीटर, यहाँ 8 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया 12 सेंटीमीटर, यहाँ 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, दोनों समरूप होंगे। दोनों का बनावट क्या है, दोनों का आकार बिल्कुल सेम लिखेगा, ठीक है।
आप 8 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज को बड़ा करिएगा तो 12 सेंटीमीटर धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, एक दूसरे में कन्वर्टेबल है, मैग्निफाई करके दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। इसको धीरे धीरे छोटा करोगे तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये बड़ा करोगे ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन वाले कंसेप्ट से सोच सकते हो, छोटा को बड़ा, बड़ा में छोटा कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर समरूप होंगे। क्लियर है? सर बोलिए। सिर्फ समबाहु त्रिभुज होते हैं क्या समरूप? नहीं, सिर्फ समबाहु त्रिभुज नहीं होंगे, अभी डिटेल में और सीखेंगे हम, तो भी समबाहु त्रिभुज को भी समरूप करेंगे। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे? तो हाँ, जितने भी समबाहु त्रिभुज है वो सारे के सारे समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे। अगर बोलो समद्विबाहु त्रिभुज, तो दो समद्विबाहु त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, लेकिन सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। समझ में आया कहने का मतलब? मैं ये बोल रहा हूं कि दो समद्विबाहु त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, लेकिन जितने भी समद्विबाहु त्रिभुज हम बना सकते हैं सभी के सभी समरूप नहीं होंगे वो, लेकिन समबाहु त्रिभुज आप जितना ही बनाइए सारे के सारे समरूप होंगे। समझ में आया? बोलिए। ठीक है, तो यहां पर हमने कुछ आकृतियां देखा जो हमेशा समरूप होते हैं। तो कुछ चीजें आपको याद रखना है जो आपके एग्जाम में बेसिकली 3 फिगर पर पूछा गया है, ठीक है। वो तीन, मैं 4-5 एग्जाम्पल आपको देता हूँ, इतना आप याद रखिएगा। आकृतियां, और ये बस एक एक नंबर के ही क्वेश्चन आएंगे जो हमेशा समरूप होते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल तो मैंने बता दिया, वो मुझे बता दो जल्दी जल्दी। पहला क्या होता है, पहला आकृति जो हमेशा समरूप होगा? वर्ग, ठीक है। वर्ग हमेशा समरूप होता है, जितना भी आप वर्ग बना लीजिए, जितना भी आप स्क्वायर बना लीजिए, सारे के सारे समरूप होंगे। दूसरा वृत्त, यानी सर्कल, जितने भी सर्कल होंगे सारे के सारे सर्कल समरूप होंगे। तीसरा सर आयत, नहीं आयत नहीं होगा, आयत के बारे में समबाहु त्रिभुज। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं त्रिभुज, अगर कोई बच्चा लिखेगा त्रिभुज तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई बच्चा लिखेगा समकोण त्रिभुज, गलत। समद्विबाहु त्रिभुज गलत, विषमबाहु त्रिभुज गलत, सभी गलत। लेकिन अगर आप लिख दोगे समबाहु त्रिभुज तो आपका आंसर सही, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सभी समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप रहेंगे, ठीक है। समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा ही समरूप होते हैं। यही तीन आपके एग्जाम में पूछता है, लेकिन इसके अलावा कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा नॉलेज के लिए आप ये लिख सकते हो, सभी रेखाखंड सर, ठीक है, रेखाखंड, जितना भी रेखाखंड बनाओगे लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट आप बना करके देखिए, मैं एक लाइन सेगमेंट यहाँ बना दिया, ठीक है, ए बी रेखाखंड, एक लाइन सेगमेंट यहाँ बना दिया पी क्यू, तो इसका बनावट तो सेम ही है ना, बस साइज अलग अलग है, ठीक है, साइज अलग अलग है, तो बिल्कुल कहेंगे सर दोनों कैसा है, रेखाखंड भी हमारे साथ समरूप होंगे। बस 4 एग्जाम्पल ध्यान रखिए, ये 4 एग्जाम्पल से आप कह सकते हो ये 4 एग्जाम्पल क्या होंगे सर, हमेशा ही समरूप होंगे। एक आध बोल सकते हो अद्वित, ठीक है, अद्वित भी हो सकता है, इतना याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए, तो ये 4 एग्जाम्पल में कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो यहाँ बता दिया, हाँ सभी वर्ग और सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। आगे क्या पढ़ना है, चलो यहाँ पर 2 फिगर आपको दिख रहा है, एबीसी और पीक्यूआर, दोनों क्या है, त्रिभुज है। अब यहाँ पर ये नहीं दिया गया कि समबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु है, मुझे भी नहीं पता, मेजरमेंट मैंने नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर एक सिंबल लगाया गया है, और ये सिंबल थोड़ा सा तो यहाँ पर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ समीर, नहीं का मतलब क्या नहीं है, ये तो दे रखा है, मैं ये दिया गया है कि दोनों समरूप है, सॉरी सर्वांगसम है, इट इज गिवन दैट, ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है, मैं दे रहा हूँ कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर सर्वांगसम है। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि अगर ये सर्वांगसम है तो ये समरूप भी होंगे क्या? यस सर, यस सर। तो यस, तो अगर सर्वांगसम है तो समरूप होंगे, रीजन क्या होगा? रीजन ये बोलिएगा कि सर यहाँ पर सर्वांगसम आकृतियों के, देखिए सर्वांगसम आकृतियों के आकार समान होते हैं, बेसिकली आप कह सकते हो सर सर्वांगसम अगर है तो इसका आकार और आमाप दोनों ही सेम होगा ना, दोनों ही सेम होगा, अगर दोनों ही सेम है तो आकार तो सेम हो ही गया, हमें तो देखना था समरूप के लिए सिर्फ आकार, तो आप कहोगे सर इसके तो आकार आमाप दोनों सेम है, और इसका मतलब आमाप आकार तो सेम हो ही गया, और आकार समान हो गया तो कहेंगे समरूप आकृति में तो बस आकार समान होना चाहिए, तो इसलिए सर्वांगसम आकृतियां जितने भी होती हैं वो सभी सभी समरूप होती हैं। तो कभी अगर आपके सामने ऐसा लिखा रहे कि ट्राइंगल एबीसी जो है वो सर्वांगसम है ट्राइंगल पीक्यूआर के, तो आप सीधे बोल दीजिएगा, यहां से हमें पता चल जाएगा सर ट्राइंगल एबीसी जो होगा वो समरूप भी हो जाएगा ट्राइंगल पीक्यूआर के।
इसको हम लोग आगे जाकर प्रूफ करने वाले हैं, बहुत बार यूज करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट यूज कर दूंगा कि सर सर्वांश में तो समरूप भी होगा। रीजन पता है कि सर्वांश में तो आकार और माप दोनों सेम था, तो आकार तो सेम है ही, और आकार अगर सेम है तो समरूप होगा, क्लियर। और ये सभी आकृति के लिए होगा, चाहे वो वृत्त के लिए हो, चाहे सर्कल के लिए हो, चाहे वृत्त सर्कल तो एक ही हो गया, वृत्त के लिए हो, चाहे त्रिभुज के लिए हो, चाहे वर्ग के लिए हो, ठीक है। सभी आकृतियों के लिए अगर सर्वांश में तो समरूप होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये दोनों आकृति में, फिर से मैं दे रहा हूं कि ये दोनों क्या है, समरूप है, ये फिर से दे दिया, पूछ नहीं रहा आपसे, दिया गया है कि एबीसी और पी के पास समरूप है, तो मैं पूछू क्या दोनों आपको लगता है कि सर्वांशम भी होगा? No, sir. ये तो देखने से लग रहा है कि सर्वांशम नहीं है, ठीक है, एक छोटा एक बड़ा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर बोलिएगा सर सभी समरूप आकृतियां सर्वांशम नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती है कोई पूछेगा, तो आप बोलेगा क्योंकि सर्वांशमता के लिए उनका अमाप का भी बराबर होना जरूरी है, मतलब साइज का भी बराबर होना जरूरी था। यहाँ पर हो सकता है कि इनका आकार सेम है, लेकिन बहुत क्लियर है कि इनका अमाप तो अलग अलग है, तो अमाप अगर अलग अलग है यानी साइज अलग अलग है तो हम इसको सर्वांशम नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये अगर कभी मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी समरूप है ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो क्या ऐसा कंक्लूजन आप लिखोगे कि ट्राइंगल ए बी सी, अच्छा किसी का हैंडरेज हो रहा है बार बार, कुछ डाउट है तो सीधे माइक ऑन करके पूछिए, हैंडरेज करते हो ना तो मुझे क्या आवाज आती है, ठीक है, उससे क्लास डिस्टर्ब होता है आपका, ठीक है। आप लोग को भी आती है क्या कुछ आवाज? नहीं, नो सर। ओके, तो मुझे आती है, तो हैंडल्स बार बार मत किया करो, अगर कोई डाउट है सीधे माइक ऑन करके पूछ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, अगर एबीसी सर्वांशम समरूप है पीक्यूआर के, तो ये लिखना गलत हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं बोल सकते, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो समरूप सर्वांशम भी हो, ठीक है, तो ये कंक्लूजन नहीं लेगा। तो यहां से क्या सीखा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो चार्ट बना हुआ है, इसको समझना क्या बोल रहा है यहाँ पर, इससे काफी चीज क्लियर होगा। देखिए अगर मैं लिख रहा हूँ कॉन्ग्रुएंट फिगर, यानी बोल रहा हूँ सर्वांशम आकृति, तो सारे सर्वांशम आकृति यस आपको सिमिलर होगा, समरूप होगा, क्योंकि इसमें आकार और माप दोनों सेम होगा, और आकार और माप दोनों सेम है तो आकार सेम होगा ही होगा, तो समरूप हो जाएगा। लेकिन सभी समरूप आकृति सर्वांशम होंगे क्या, तो आप बोलोगे नो, सभी समरूप आकृति सर्वांशम नहीं होंगे, क्योंकि समरूप में आकार सेम तो होता है लेकिन अमाप अलग अलग हो जाता है, मतलब अमाप क्या है नहीं पता, ठीक है। तो हम कहेंगे सर समरूप सर्वांशमता के लिए दोनों चीज बराबर होना चाहिए, जबकि समरूपता में सिर्फ एक चीज का बराबर होता है आकार का, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सभी, याद कर लीजिए क्या कि सभी क्या लिखा है, याद कर लीजिए कि हर सर्वांशम आकृति समरूप होती है लेकिन हर समरूप आकृति सर्वांशम नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपका बहुत बार फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है, ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा, इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। जितना मैंने कम से बहुत थ्योरेटिकल था सारा, ठीक है। क्वेश्चन कुछ हुआ आपसे पोल में? यस सर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आएगा, कुछ इसमें कठिन है नहीं, अभी तक जितना भी चीज पढ़ाया आपको। पूछ रहा क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं या सभी वर्ग सर्वांशम होते हैं, बस इतना ही है, दो ही ऑप्शन है आपके पास। चैट बंद कर रहा हूँ आपका और आपका पोल ओपन हो जाएगा, दो ऑप्शन हटाता हूँ, दो ही ऑप्शन है आपके पास। सभी वर्ग को आप क्या कहिएगा, समरूप या सर्वांशम? ये देखो बहुत आसान क्वेश्चन है और ये भी आपके एग्जाम में एक नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार आया है, बहुत बार आया है। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं कर रहा कि कठिन है, इंपॉर्टेंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बार रिपीटेड है। तो सभी वर्ग को क्या बोलेंगे, समरूप या सर्वांशम? तो कितना टाइम चाहिए इसमें, 15 सेकंड मेंट करें, 10 सेकंड और रुक रहे हैं, काफी है 10 सेकंड तो इसके लिए, 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। तो यहां पर मैं एंड कर रहा हूं इस पोल को, देखते हैं आंसर क्या होगा। और सीधे सीधे आपको बता ही दिया था कि सभी वर्ग, सभी वृत्त, सभी रेखाखंड और एक आकृति और था, सभी समबाहु त्रिभुज, ये चारों के चारों हमेशा समरूप होंगे, हमेशा सर्वांशम नहीं होंगे। सभी वर्ग की बात कर दी ना, तो सभी वर्ग अगर मैं बनाऊं तो एक वर्ग में ऐसे बना सकता हूं और एक वर्ग में इतना बड़ा ही बना सकता हूं, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि दोनों क्या है, समरूप तो होंगे सर, बनावट तो सेम है, साइज अलग अलग है ना, तो
समरूप तो होंगे, सर्वांगसम नहीं होंगे, ठीक है। सर्वांगसम के लिए साइज भी बराबर होना चाहिए। सीधे याद कर लीजिए, सभी वर्ग क्या होंगे, समरूप होते हैं, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। इसमें कोई डाउट है नहीं आप सभी का सही था।